जन्मदिन भी है। ढेर सारी शुभकामनाएं हम तमाम पत्रकारों को स्वीकार करेंगे। जी भैया, बहुत खुशी है आज मुझे कि मेरा ये पर्व जो त्यौहार के दिन मेरा बर्थडे है और आए हुए जितने हमारे मेहमान कलाकारा बंधु लोग आए हैं, बहुत खुशी हुई मुझे कि सब मेरे बर्थडे में, मेरे जन्मदिन में शामिल हुए, अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद दिए। और बहुत जन थे नहीं उपस्थित हो पाए इशू की वजह से, बट जितने जन उपस्थित उतने लोगों में हमने मनाया। पर आई एम सो वेरी हैप्पी आलिन, सब लोग के साथ में मैं बहुत अच्छे से मना रहा हूँ। और कुछ गाने भी आपके इस मौके पर लॉन्च किए गए हैं, पिछले साल भी लॉन्च किए गए थे, इस साल भी लॉन्च किए गए हैं, जरा बताना चाहते हैं उन गानों के बारे में। जी भैया, मेरा गाना है जिस गाने का पहला मेरा गाना आया था आशीष राजा बॉम्बे से आजा पार्ट 1 और उसी का सीक्वल ये पार्ट 2 था जो कि वर्ल्ड वाइड कंपनी के अंतर्गत आया गाना। और लोगों ने सुना, जितने जने ने बहुत प्यार दिया, तो ये गाने का मैंने पोस्टर लॉन्च किया ताकि जिनको नहीं पता है किस कंपनी के अंतर्गत ये गाना आया है तो लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैं लॉन्च करता हूँ एल्बम में कि नहीं किस कंपनी के माध्यम से कौन से मेरे यूनिट के पूरे मेंबर्स के बारे में मैं नॉमिनेट करना चाहूँगा। जैसे मेरे लिरिक्स अजीत मंडल जी हैं और म्यूजिक मोनू सिन्हा जी हैं और रिकॉर्डिस्ट भाई हमारे संजय साधू भैया हैं और कुछ गाने के आलोक यादव जी हैं जो काफ़ी अच्छे सिंगर लोगों को दिए गाने, हमारे बड़े भाई समर भाई को दिए हैं और काफ़ी सफल सिंगर लोगों को उन्होंने गाना दिया, उनका गाना मैं भी गाया भी। जहाँ तक गया, जिन लोगों तक गया, बहुत लोगों ने प्यार दिया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ। अगर उन लोग मेरे काम को ज़्यादा मात्रा में सुनते हैं और प्यार देते हैं तो बहुत खुशी मिलती है मुझे। आशीष जी, इस मेहनत के पीछे राज क्या है, कुछ बताओगे आप? हर बार 4-5 एल्बम 6 एल्बम रिलीज़ करके कैसे कर लेते इतना? नहीं, क्या है ना कि पहले भी मैं जब पहले मैं आया था, मैं ये अध्याय बाद में चालू किया जो पहले करना चाहिए मुझे। पहले मैं फिल्म में वर्क करता था, तो मैं बताऊं कि 21-22 फिल्मों का एज ए कास्टिंग डायरेक्टर रह चुका हूं मैं, जो फिल्में प्रेजेंट भी हुई हैं और बहुत से पेंडिंग पड़ी हैं, तो मुझे अनुभव एक्सपीरियंस ये सारी चीज़ का था। तो मैंने सोचा एक नयापन होना चाहिए, जो एल्बम में रिपीट एक चीज़ें होती हैं वो नहीं, कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। आज हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं तो जागरूक करना पड़ता है। अगर जन जन के पास कोई अपने किए हुए मैसेज को अगर भेजना है तो उसको एक प्लेटफॉर्म मीडिया हो या सोशल पेज कोई भी हो, लोगों तक जब तक हमारा किया हुआ काम नहीं जाता है तब तक मेरे काम का कोई मायने नहीं होता। तो मेरा मानना है कि जो लोग कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में वही सेम चीज़ें रिपीट, वो चीज़ें ना कर मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन लोगों को देता रहता हूँ। यही राज है मेरा कि मैं चाहता हूँ कि एक नयापन नए तरीके से होना चाहिए लोगों के बीच में। आपने अपनी कंपनी से रिलीज़ की थी कुछ एल्बम, अभी आपने? जी, आशीष म्यूजिक वर्ल्ड मेरा चैनल था, आशीष एंटरटेनमेंट मेरा बैनर था और अभी भी हैं वो रेस्टोरेंट पर, अभी को उसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और उस कंपनी के अंतर्गत मैं गाने नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारा गाना अगर ज़्यादा मात्रा में लोगों को भेजना है तो अच्छे सब्सक्राइबर, अच्छे फॉलोअर्स होने चाहिए। तो जैसे हमारे वेब कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी हम लोग के भोजपुरी में, वेब है, वर्ल्ड वाइड है, TF है, इस सारी कंपनी के अंतर्गत मेरे गाने गए हैं लोगों के बीच में। जब छोटी कंपनी से मैं कोई गाना करता हूँ तो उसको प्रमोट करता हूँ ताकि लोग जाने उस चीज़ को। तो फिल्मों में आने का इरादा है इतने सारे? फिल्म आने का नहीं, मैंने बताया ना, मैंने 21 फिल्मों में कम से कम 8-9 फिल्मों में एज ए खुद काम किया है। जैसे सरकार है, तुम मुझसे शादी करोगे, दंड नायक, भाई बना भैया, काफ़ी फिल्में जिसमें मैं एज ए उसका हिस्सा भी हूँ और उसके साथ मैं उस फिल्म में एक्टर भी हूँ। और मेरी एक हिंदी फिल्म है साइदा, जिसको पहले आप लोग तो थे, हमारे सब मीडिया भाई लोग थे, वो भी फिल्म मेरा पूरी तैयार है, उसको भी शूट करना है। और एल्बम का 22 सीजन हम आप लोग के बीच में देते रहते हैं। आशीष, जो आपके साथ बाकी लोग हैं जरा इन्हें भी हमसे परिचित कराएं। जी, हमारे साथ में बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं जिनको अमेजिंग किया जाता है पाली जी के नाम से, तो भगवान ने इनको नेचुरल ऐसा बनाया है और हम क्या बताएँगे, आप लोग खुद ही पूछें इनसे। जी नमस्कार, मैं अमीरा यादव। लुक से कितना फ़ायदा उठाती हैं आप? कोई फ़ायदा नहीं है, अगर फ़ायदा उठाना होता तो बहुत सारी फिल्में की होती अभी तक। काफ़ी ऑफर्स आते हैं मगर मैं अपने फैमिली बिजनेस में ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो अब तो इरादा हो गया होगा आपका अपना एल्बम करने? अब एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के बाद मैंने एक फिल्म की है जय जय, जिसका एडिटिंग सब कंप्लीट हो चुका है और उसका ट्रेलर कट हो जाएगा 1 महीने में और वो बहुत जल्द दिवाली तक रिलीज़ होकर आप सबके बीच आ जाएगी। इसके बाद मैं वर्क करूँगी कंटिन्यू। आपको जब कोई अम्रपाली के बुलाता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी आइडियल है, मेरी फेवरेट है, हमेशा से मैं उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ। कभी मिली है मुझे? हाँ, एक बार मिल चुकी हूँ। क्या बोला? ऐसे तो बातचीत नहीं हुई मगर दूर से हेलो आए बस। मीना जी, अम्रपाली यादव की तरह आप अम्रपाली की तरह आप दिखती हैं, जब आप बाहर निकलते हैं जब लोग आपको ये कहते हैं कि आम्रपाली के, कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने आपको आम्रपाली समझ लिया, ये मैडम या फोटो खिंचाना शुरू कर दिया? बनारस एयरपोर्ट पे ऐसा बहुत बार हो चुका है। वॉशरूम में दो औरतों ने पकड़ लिया था मुझे। अच्छा, वॉशरूम में दो लड़कियों औरतों ने आपको पकड़ लिया था? वो शायद वॉशरूम क्लीन करते थे तो उनको लगा शायद मैं हूँ, तो वो बोलने लगे कि हमने आपको टीवी में देखा है, राजा बाबू में देखा है, इसमें देखा है। तो मैं समझ गई शायद वो लोग मुझे आम्रपाली समझ रहे हैं। अच्छा, आम्रपाली के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, इंटरव्यूज़ देखे होंगे। आम्रपाली के बारे में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है मीरा जी? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो बहुत खुल के फ्रैंकली रहती है और मैं भी वैसे ही रहती हूँ। अच्छा, और आम्रपाली जी काफ़ी वज़न कम करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। मैं भी वज़न कम करना चाहती हूँ और मैं रियली इस पर वर्कआउट कर रही हूँ अभी। मतलब ये जंग दोनों तरफ जा रही है? कंपेयर तो नहीं करना चाहती हूँ मगर एटलीस्ट कम करना चाहती हूँ वज़न। कंपेयर तो मैं कभी नहीं कर सकती हूँ। वैसे रहने वाली कहाँ से हैं? मैं बचपन से मुंबई में हूँ, चाइल्डहुड से यहीं बॉर्न एंड बॉटम। आशीष जी के बारे में कुछ बताइए जो आपने किया। आशीष तो बहुत अच्छे सिंगर है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और उनका बर्थडे था इसलिए स्पेशली मैं 2 घंटे से तैयार होके ट्रैफिक में 2 घंटे से उसके बाद यहाँ पहुँची हूँ एंड देन यहाँ पहुँच के भी इनके केक कटिंग का 1 घंटा वेट किया है। उसके बाद केक कटिंग हुआ है। वैसे ये बहुत अच्छे सिंगर है और मेरे हिसाब से इनके सब एल्बम्स हिट होने वाले हैं। अच्छी चीज़ों के लिए कई बार थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ता है मीरा जी। फ़िलहाल आपके क्या सपने हैं? आप कुछ सालों बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? कुछ सालों बाद मैं अपने आप को किसी अच्छे सीरियल में एज अ लीड देखना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं वेट लूज़ करने के बाद सीरियल्स में ट्राई करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ आप दोनों के बीच में अनकॉमन है। आम्रपाली सीरियल छोड़ के भोजपुरी फिल्मों में आई और आप भोजपुरी फिल्मों को छोड़ कर सीरियल्स में जाना चाहते हो। रियली बहुत अनकॉमन है मगर मैं सीरियल ज़्यादा पसंद करती हूँ। मतलब भोजपुरी फिल्में आपको पसंद नहीं है? पसंद है, बहुत पसंद है। वैसे मुझे हिंदी मूवीज़ के ऑफ़र आते हैं तो मैं कहती हूँ मुझे भोजपुरी फिल्म ज़्यादा पसंद है मगर भोजपुरी फिल्में करने के बाद भी मेरी एक इच्छा है कि मैं सीरियल करूँ। अच्छा, भोजपुरी फिल्में करने के बाद भी। अच्छा, आपने आम्रपाली के बारे में तो बताया, कभी निरहुआ मिले या फिर कभी निरहुआ के 1-2 बार फंक्शंस में मिले हैं मगर ऐसे कुछ ज़्यादा बातें नहीं होती। अच्छा, उन्हें नहीं लगा कि आप आम्रपाली की तरह दिखती हैं? लगा होगा बट उन्होंने कुछ बोला नहीं किया। हाँ, कोई फिल्म क्या हो, अगर कोई फिल्म फर्ज कीजिए अगर कोई फिल्म आपको मिल जाए निरुआ के साथ आम्रपाली जूनियर की तरह मिलने वाली है। अच्छा, मिलने वाली है। ओके, इसके बारे में अभी नहीं बोल सकती, बाद में। सच में मिलने वाली कि मजाक? मजाक नहीं कर रही, सच में करने वाली। अच्छा, किसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? निरुआ के साथ। मैं पवन सिंह के साथ काम करना पसंद करूँगी। लेकिन जोड़ी तो निरुआ की बहुत फेमस है आम्रपाली के साथ। अच्छा, उनके साथ भी मिले तो उनके साथ भी करूँगी क्योंकि वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। काम मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। नहीं, काम मिलते हैं बट वैसे तो मैं नहीं करती ज़्यादा क्योंकि फैमिली। आम्रपाली जी, आपको आम्रपाली असली वाली आम्रपाली का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा एक राजा बाबू, इसका नहीं सॉरी, राम लखन का सॉन्ग है। क्या सॉन्ग है उसका? 3 गो चीज़ ना बस में रहेला, आग पानी जवानी। क्या बात, ना बस में रहेला, सही बात जी। नहीं, अब इनको याद करना। थोड़ा गा दीजिए, मैं भी गा लूँगी, मेरी आवाज़ खराब है। 3 गो चीज़ ना बस में रहेला, आग पानी जवानी। आगी पानी जवान के तनु नहीं, मेरे को भी याद नहीं आ रहा अभी को। 3 गो चीज़ छोड़िए, ये नहीं आ रहा है। और मुझे याद है मगर आवाज़ ठीक नहीं है। नहीं, वो गाना मेरे को अभी याद है पर अभी नहीं आ रहा मेरे को भी। एक गाना मैं अपना सुनाता हूँ जिसका पोस्टर आप लोगों ने सुना है और मेरा प्रयास रहेगा कि जैसे कि आप लोगों ने नॉमिनेट किया इनके लुक को देख कर कि नहीं आम्रपाली जैसी लुकआउट है इनका, तो एक गाना मेरा भी ऑडियो जो जिसका मैंने अभी पोस्टर और टाइटल लोगों को दिखाया, इसका गाना मैं एक लाइन सुनाऊंगा। बन के तैयार है गाना और मैं चाहूँगा कि इनसे निवेदन करूँगा कि वो मेरे गाने को कर दीजिए, ये यही निवेदन इनसे रहेगा। वो गाना मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा आने से पहले। गाना मेरा है कि निरहू पवन जैसे आशीष स्टार बनिहा हो। हाँ, निरहू पवन जैसे आशीष स्टार बनिहा हो। तो लड़का बोलेला तय हमार पाली जस हीरोइन तू हमार बनिहा हो। हमार पाली जस हीरोइन बस हमार बनिहा हो। ओके, सिर्फ एल्बम में। हाँ, तो निवेदन हमने उसी किया। आम्रपाली को पर्सनली भी जानता हूँ, अगर आप आम्रपाली से कुछ कहना चाहते हो जी तो आप कहिए, मैं उन्हें शेयर करूँगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आजकल उन्होंने जो वेट को लूज़ किया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वेट जब लूज़ हो जाता है इंसान का तो इंसान और ज़्यादा निखर के आने लगता है, खूबसूरत दिखने लगता है। और मुझे वो बहुत पसंद है। मैं उनके हर गाने को देखती हूँ, हर मूवी को देखती हूँ, हमेशा से उन्हें ही फॉलो करती हूँ। वो मेरी आइडियल भी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ कुछ मैच होता है लुक, तो मैं उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ। और मैं तो यही चाहती हूँ कि वो और अच्छा करे अपनी फिल्मों में और आगे जाए, बहुत आगे बढ़े। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं उनकी नई जोड़ी पवन सिंह के साथ बनी है, वो जोड़ी ज़्यादा ठीक हो सकती है। आपको तो आम्रपाली किसके साथ ज़्यादा अच्छी लगती है? एक्चुअली एक एक्ट्रेस जो होती है, अदाकारा, वो किसी के भी साथ हिट हो सकती है, बस उसके काम में, उसके मेहनत में वो काबिलियत होनी चाहिए। और मेरा मानना एक चीज़ और कहना चाहेंगे, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट और हैं, उनका परिचय मैंने कराया नहीं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो मैं चाहूँगा इनका परिचय होना चाहिए। सबसे पहले परिचय बताइए। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा मिश्रा। स्वतंत्र दिवस और नाच पंचमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आशीष का बर्थडे था, बहुत अच्छा लगा। और आपने आशीष के साथ क्या क्या काम किया? नहीं, एक्चुअली अभी मैंने काम नहीं किया इनके साथ, अभी काम करने वाली हूँ। नेक्स्ट एल्बम में आप देखेंगे? हाँ। आम्रपाली जी आपके किसी एल्बम में फीचर कर रही हैं? जी, इनसे मैंने निवेदन अभी आप हर लोगों के सामने कहा, क्योंकि इनसे नहीं, आप हमारी बात कर रहे हैं। जी, तो इन्हीं के लिए बोला, आपने नाम रखी दिया आम्रपाली, और सेकंड निर्भर लोग बोलते भी हैं। तो मेरा मानना है कि इनसे मेरा ये गाना जो है विशेष, ये गाने के जिस तरह से कोडिंग है और वो तरह का लुकआउट अगर मिल जाता तो हम प्रेजेंट करेंगे प्रॉपर उसी तरीके से। एक अमेजिंग होनी चाहिए कि नहीं, अगर लुक लगता है वो तरह का गाना है तो तरह का वर्क करके लोगों के बीच में भेजे। तो इनसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि मेरे वो गाने को ये करें, और हम चाहते हैं उसको अच्छे तरीके से लोगों के बीच में भेजें। आम्रपाली जी, इस निवेदन को आप स्वीकार कर रहे हो? हाँ, ऑफ कोर्स। काम के लिए तो हम कभी मना नहीं करते, ऑफ कोर्स करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ, अब एक ही चीज़ कहेंगे और भैया में कि हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, और जैसा कि आप लोगों ने परिचय इनका किया, और मुझसे जुड़े हमारे जो विशेष आभार हैं हमारे प्रेजेंटर, जैसा कि आप लोग ने पोस्टर डेमो में देख रहे हैं कि आशीष राजा को पुश करने वाले या प्ले करने वाले हमारे गुड्डू भैया हैं, निर्माता चंद्रशेखर है, प्यार से लोग गुड्डू बोलते हैं। भैया का हम ही नहीं, हम जैसे बहुत से सफल सिंगर लोगों के, कलाकार लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है उनको पुश करने, सपोर्ट करने में। तो हम चाहेंगे कि भैया आज हमारे साथ उपस्थित हैं, और क्या सद्व्यवहार, क्या बिहेव, क्या काम करने का तरीका। आशीष ने बतौर सिंगर या बतौर एक्टर, बात छोड़ दीजिए, बतौर आशीष में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? आशीष बिल्कुल इंडस्ट्रियल की तरह, जैसे कुछ लोग होता है जो 90% फेंकते हैं, आशीष 1% फेंकते नहीं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। सच्ची बातें ज़्यादा करते हैं। हाँ, हमें सारे मतलब काफ़ी पसंद है कि ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं। कैसे मुलाकात हुई आप दोनों की? हम लोग घूमने गए थे कि नहीं? मेला घूमने तो नहीं गए थे हम लोग, एक्चुअली मिल गए थे, फेसबुक पे हम लोग की बातें हुई थी। अच्छा। और मैं काफ़ी प्रोग्राम करवाते रहता हूँ, तो उसमें आशीष भाई भी हैं, तो उसमें बात हुआ हम लोग का फेसबुक पर, फिर हम लोग मिले। भोजपुरी में आपको कौन पसंद है? भोजपुरी में हमें दिनेश भाई पसंद है। आशीष भाई नहीं? आशीष भाई सिंगर है, वो एक्चुअली हीरो है भोजपुरी में। अगर सिंगर पूछो तो सारे सिंगर पसंद है। ये तो हमारे बहुत प्रिय हैं, हमारे तो छोटे भाई हैं, हमारे मित्र भी हैं, काफ़ी इनके लिए सब कर रहा हूँ अभी। क्या शुभकामनाएं देंगे बढ़ते यार? बहुत सारी सोचूंगा कि ये पूरे विश्व में सबसे आगे बढ़ें, सिंगरों में सबसे बड़ा इनका नाम हो, ये हमारे इनके लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। काफ़ी मेहनत करते हैं। चीज़ कहेंगे देख कर भैया को कि जिस तरह से भैया का प्यार मुझे मिलता है, हम तो हमेशा निवेदन करते हैं हर एक कलाकार को ऐसा एक पुश करने वाला एक इंसान मिलना चाहिए, बड़ा भाई मिले, एक गार्जियन मिले, ताकि वो अपने प्लेटफॉर्म पे या अपने मार्गदर्शन में सफल हो सके। और भैया का प्यार हमने जैसा बताया आप लोगों से कि हम ही को नहीं, हम जैसे हमारे बहुत से सीनियर कलाकार हैं, नॉमिनेट तो नहीं कर सकता, बट बहुत से सफल सिंगर हैं, बहुत सीनियर सिंगर हमारे हैं, जिनको भैया ने काफ़ी अच्छे तरह से प्रमोट किया, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया है। तो वो सारी चीज़ भैया का आशीर्वाद, प्यार मुझ पर है, और हम चाहेंगे कि प्यार सदैव ऐसा हम पर बना रहे। और हम अपने दर्शकों को, जो लोग आशीष यादव के बाद राजा की उपाधि उन्होंने दिया, तब मैं चाहता हूँ उनके लिए मैं दिन रात कितना मेहनत करूँ कि वो हमारे काम को हमेशा देखना चाहिए। आशीष, कुछ जाते जाते गा के सुना दो एक बार, बस लास्ट। जी, गा कर सुना दी। पहला मेरा गाना था, जिस गाने से लोग मुझे जानते हैं आशीष राजा के नाम से, वो गाना मेरा था पहला। हाँ, गाना मेरा है, जिस गाना अभी पार्ट 2 है, इस गाने को मैं सुनाता हूँ। गाना है कि जे भी रहे देखल सपना अब होई साकार, हाँ जे भी रहे देखल सपना अब होई साकार, रे नदी बम्बई से आवतारे राजा जी हमारे ननदी बम्बई से आवहतारे। ये मेरा आशीष राजा बम्बई से आजा पार्ट 2 का ये गाना है और इसको लोगों ने सुना है, काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आए, बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं। तो मैंने सोचा कि इसको एक बार बढ़िया तरीके से प्रमोट कर दे ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जाने, इस गाने को देखें। और मैं उन लोग से एक ही निवेदन हर बार इस चैनल के माध्यम से करता हूँ कि मुझ में जो अच्छाइयाँ हैं वो अपने कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए, कमियाँ वो भी दीजिए अपना सुझाव, ताकि हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नेक्स्ट काम में उसको सुधार सकें। तो ये सुझाव मांगने के लिए सारे चैनल और बढ़िया तरीके से मैं विज्ञापन करता हूँ कि जन जन मेरे किए हुए काम को जाने। थैंक यू। मैं अनिल जायसवाल, यहाँ पे आए हुए सभी कलाकार, पूरा भारत देशवासियों को सबसे पहले 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज मेरा भाई आशीष भाई का जन्मदिन है, तो मैं चाहूँगा कि जितना ये हैंडसम दिखते हैं, जितना मुस्कुरा रहे हैं, उतना ही तरक्की करें और लोगों का सेवा करें। फर्ज इनका यही है कि सभी दर्शकों का सेवा करें और आशीर्वाद लें। और आज इनका जन्मदिन भी है और इनका एक गाना भी रिलीज हुआ। कौन सा गाना रिलीज हुआ आज आपका? आशीष राजा बॉम्बे से आजा। आशीष राजा बॉम्बे से आजा जी। तो मैं चाहूँगा सभी लोग से इस गाने को ढेर प्यार आशीर्वाद दें ताकि इनका गाना सुपर हिट हो और मार्केट में। आपका फैन कौन है? सबसे बड़े किसके फैन हो? मैं पवन जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आशीष भाई तुम्हारा भाई हैं, लेकिन अगर उनकी गायकी की बात करें तो गायकी की पवन सिंह का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा गाते हैं और भाई भी मेरा बहुत ही अच्छा गाते हैं। आशीष भाई क्या कहोगे पवन सिंह के फैन हैं? आपको नहीं नहीं अब ये मानना चाहिए भाई के, ऐसा नहीं है, हम भी फ़ैन हैं, हम भी बोलते हैं, हम बोलते हैं दिनेश भाई के फ़ैन हैं। नहीं नहीं किसी को फैन बोल देंगे तो वो अपने अंदर की कमियां थोड़ी जानते हैं। तो मेरा मानना है, मैं भाई हूँ, इच्छा होती है, नहीं नहीं मेरे बड़े भैया हैं, गार्जियन हैं। और मेरा एक चीज़ मानना है कि चाह रखना गुनाह नहीं होता है, चाह कहीं भी होती है इंसान की, ड्रीम, किरदार, काम करना, वो इंसान की वर्कआउट के ऊपर होता है। बट मेरा मानना है कि चाह जो होती है ना। और भैया के बारे में मैं परिचय करना चाह रहे थे, हम किसके फ़ैन हैं। अभी तो इसके पहले मैं अम्रपाली जी दिनेश भैया का फ़ैन, सबको पता है कि राजा आशीष जी का फ़ैन है, वो उनको आइडल, आदर्श, अपना मार्गदर्शन मानता हूँ। और फैंस की जहाँ तक चाह की बात रखे तो चाहे हमारे अनिल भैया हैं, अगर ये चाहेंगे तो हम लोगों के बीच में आएंगे। और हमारे गुड्डू भैया हैं, ये चाहें तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे उनसे हमारी है, बाकी उससे हमारा कोई नहीं। जैसे आज आप लोगों ने अमेजिंग की कि नहीं अम्रपाली जी, तो आज इनका टैलेंट, इनका वर्कआउट ही यहाँ पे इनको खड़ा किया है। अगर आप लोगों ने इनको देखकर इनका परिचय किया ना कि अम्रपाली जी ने इनको पुश किया, सपोर्ट किया, अमेजिंग, भगवान ने नेचुरल लुकआउट ऐसा बनाया है। तो वही कहना चाहेंगे, हम जैसे नवयुवक कलाकार या सफल कलाकारों को भैया मंच देकर, अनिल भैया से मैं बोलूँगा कि भैया मंच देकर लोगों की जो भाषा होती है, जो कहने की एक लोगों के बीच में अपने परफॉर्मेंस की जो जलवे होते, तरीके होते, हुनर होते हैं, वो लोग प्रेजेंट करते हैं लोगों के बीच में। तो सबसे बड़ा श्रेय मैं भैया को देता हूँ कि जैसे हम जैसे सिंगर लोगों के लिए एक तरह से बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, हम लोगों को मंच देते हैं, मंच के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाते हैं, जानते हैं, जैसे मीडिया के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाते हैं, वैसे एक पब्लिक बीच में भैया लोग हम लोग को खड़ा करते हैं। तारीफ कर रहे हैं, ये तारीफ नहीं, ये हकीकत है, हम कहीं ना कहीं यही हकीकत है। हम जैसे कलाकारों के लिए भैया जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। चलिए थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.